नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर, घर ऑफिस या होटल हर फर्नीचर का साथी। दिनहाटा में भाजपा कार्यकर्ता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या का तृणमूल पर लगा आरोप। कूचबिहार में पंचायत चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कूचबिहार में गोलीबारी व बमबारी शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को कूचबिहार जिले के दिनहाटा में तृणमूल कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। इसे लेकर पूरे दिनहाटा में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इधर घटना के बाद कूचबिहार के दो विधायक और फालाकाटा के विधायक मृत भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे। যে কোনো খুন বা মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দাজনক, তবে এটুকু বলতে পারি এই খুনের সঙ্গে হয়তো কোনো রাজনীতির যোগ নেই এবং তৃণমূল কংগ্রেস কখনো কোনো খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আর প্রশান্ত রায় বসুনিয়া নামে বিজেপির কোনো বড় মাপের নেতা বা বড় মাপের কর্মী আছে বলে এটা আমাদের সেরকমভাবে জানা নেই, কোনো পরিচিত মুখও নন। केंद्र सरकार की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर नक्सलबाड़ी में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित की गई। सम्मेलन में केंद्रीय नौवाहन, बंदरगाह, जलमार्ग के विभिन्न मंत्री सर्बानंद सोनेवाल के साथ उपस्थित रहे। सम्मेलन में केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बागडोगरा हवाई अड्डे से आने के बाद पाइन टेंकी में एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के बाद इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबको भी मैं अभिनंदन देता हूं, क्योंकि 9 साल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सिलसिले में जमीनी हकीकत से आप लोगों ने जो मेहनत की है, संघर्षपूर्ण मेहनत की है इस बंगाल की धरती में, इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। खाने में जहर देकर गृहिणी की हत्या करने का ससुराल वालों पर लगा आरोप। घटना राजगंज के सुखानी क्षेत्र के पूर्वी व्यावसायिक गांव की है। मृतक का नाम बाबली खातून है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 2 साल पहले लड़के ने एक और शादी कर ली, जिसके बाद से परिवार में अशांति फैल गई। गुरुवार की सुबह लड़की ने जब खाना खाया तो उसकी हालत बिगड़ गई और उसे राजगंज ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं शुक्रवार सुबह बबली की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके खाने में जहर देकर महिला को मार दिया गया है। पुलिस ने महिला की सौतन के साथ एक और महिला को गिरफ्तार किया है। इधर आरोपी पति और उसके ससुराल वाले मौके से फरार है, साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई। তারপরে ওখান থেকে ডাকছিল, ওখান থেকে ফোনে ডাকছিল ওর বাবা হাট গেছে হাটতে আর বলছে ওকে বাড়ি পেঠায় দেন পেঠায় দেন। এ যাওয়ার পরে কিছুদিন কিবা কালকে উঙ্গরিয়ানে বীজ মাখে দিছে ভাততে, আর বুকে চদন যায় ভাত খায় নিছে খায় দিতে বুক যন্ত্রণা করে। শুনলাম যে আরেকটা বিয়ে করেছিল। अत्याधुनिक अग्नियास्त्र व 6 राउंड कारतूस समेत युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर प्रधान नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 राउंड गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। युवक का नाम सुजान शर्मा है। उनका घर कूचबिहार जिले में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर उसे बीती रात चंपासारी रोड स्थित एक दुकान के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक को शुक्रवार दोपहर सिलीगुड़ी महकमा अदालत ले जाया गया। ज्ञात हुआ है कि पुलिस युवक को रिमांड पर लेकर सभी घटनाओं की जांच करेगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। टोटो चोरी के मामले में प्रधान नगर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में प्रधान नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने प्रधान नगर थाना क्षेत्र से टोटो चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान टिंकू बर्मन और गणेश झा के रूप में हुई है। दोनों वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली पंचानन कॉलोनी के रहने वाले हैं। 27 मई को जंक्शन के पास एक टोटो चोरी हो गई थी। इस घटना की सूचना थाने को दी गई थी। प्रधान नगर थाना पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर गुरुवार को सिलीगुड़ी में जांच पड़ताल की। छानबीन के क्रम में पुलिस ने वार्ड नंबर 12 से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि टोटो चोरी की गिरोह का मास्टरमाइंड गणेश झा है। गिरफ्तार दोनों को शुक्रवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया, साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. This is a pine wood paneling available at 7 Concepts at Parnami Mandir Road. A pine wood paneling. This is similar to silver fir and it can be fixed up on the ceilings and the walls. Jaise ye upar humne lagayi hai hamari ceiling mein. This no screws will be seen. We have a special clip for that application. And can be colored to any color. Polish करने के बाद, PU polish करने के बाद, any colors में कर सकते हैं. This has an insulation property. Everywhere used in high altitude areas. इस समर करे कुछ कमाल, सेवन किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लेन वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमा। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। कॉन्टैक्ट 6375847663, 9635871494। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, थर्ड माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। मान चले गधा पालचन घोड़ा पालचन तर मेरा श्रीमान ने काक पाल्न भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँ को भाग्य चमकिन्छ रे। यहाँ को भाग्य त चमकिएन तर सर्धुता जुदै मेरो हात को रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँ को डियर कागले यहाँ को भाग्य चमकाउने छैन तर नागाल्यान्ड डियर लोटले अवश्य भाग्य चमकाउने छ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लोटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपया ग्यारन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपया, अरु पनि धेरै पुरस्कारहरु छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपया। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लॉटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813. Break ke baad khabrein vistar se. दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा भारत के सबसे एथलेटिक कोचों में से एक मोहम्मद अली कटर को आज सम्मानित किया गया। स्वागत समारोह में दार्जिलिंग जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष खोकोन भट्टाचार्य, सचिव महेंद्र थापा, ओलंपियन मुक्केबाज श्री एस के राय और एथलीट प्रिया छेत्री उपस्थित रही। दरकार कारण शिलीगुड़ी बक्सिंग बिराट सम्भावना आछे। आमरा आगामी कयेक दिनेर मध्ये আমি মেয়র সাহেবের সাথেও কথা বলেছি, আমাদের ডেপুটি মেয়র ওনার সাথেও কথা বলেছি। আমরা এর মধ্যে এই শিলিগুড়িতে আমরা একটা বক্সিং শুরু করব, এখানে অনেক সম্ভাবনা আছে এবং আমরা আগে। তেজ গরমি কে কারণ লু লাগনে সে উত্তর দিনাজপুর মে হুই এক মহিলা কি মৌত। তেজ গরমি কে কারণ লু লাগনে সে এক মহিলা কি মৌত হো গই। মৃত মহিলা কা নাম জয়ন্তী চৌধুরী হ্যায়, ওয়া মালদা কে মোথাবাড়ি ইলাকে মে রহতি হ্যায়। गुरुवार को जब वह उत्तर दिनाजपुर के इटहार में अपने बेटे के ससुराल आई तो बीमार पड़ गई। उन्हें परिजनों ने पहले उसको डॉक्टर के पास ले गए। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल लाया गया है। वहीं मौत के कारणों को लेकर रायगंज मेडिकल कॉलेज के सहायक अधीक्षक अभिक मैती ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लू चलने से महिला की मौत हुई है। एक भद्र महिला अस्वाभाविक मृत्यु हो चुकी है, तरफ दावी करा हुआ है कि गरमे असुस्थ हुए नाकि मारा गए। ইটাহারে ওই পেশেন্টটাকে কালকে বিকেলে নিয়ে আসা হয়েছিল এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, তো ব্রড ডেডি নিয়ে আসা হয়েছিল। আমাদের এখানে যথারীতি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে, পোস্টমর্টম হলে কজ অফ ডেথ জানা যাবে। মানে প্রাথমিকভাবে আপনাদের মানে এই যে যা দাবদাহ গরম চলছে, 40-এর উপর তাপমাত্রা, এই গরমে কি মানে সানস্ট্রোক হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে? হ্যাঁ, স্বাভাবিক, এগুলো তো হয়, প্রিকশন নেওয়া উচিত, এনাফ ড্রিঙ্কিং অফ ওয়াটার। হ্যাঁ, 9, 10, 11 जून 250 किस्मों के आम की खुशबू से महकेगा सिलीगुड़ी का सिटी सेंटर। सिलीगुड़ी में 9 जून से 7वां गीतांजलि आम महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह आम उत्सव पिछले 7 सालों से आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल के आयोजकों ने एक पत्रकार सम्मेलन में 9, 10 और 11 जून को सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा स्थित शॉपिंग मॉल सिटी सेंटर में आम उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस साल 250 से ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शनी में आएंगे। इस साल मालदा, मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश नेपाल से आम की गई किस्में 7वीं गीतांजलि आम महोत्सव में प्रदर्शनी के लिए लाए जाएंगे। गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल 2023 तरफ से এখানে একটু বলে রাখি যে এটা আমাদের 7th এডিশন। আমরা এই গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল করতে যাচ্ছি। এটা 2010 আমরা শুরু করেছিলাম। এবার প্রথম আমাদের যে গীতাঞ্জলি, যেটা বাংলায় লেখা হয়েছিল রবি ঠাকুরের, সেটা 100 বছর পালন করছিল। সেই জন্য ওই সময় আমরা নামটা গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল রেখেছিলাম। আর আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে এই সময়টায় সব যত ইয়াং বাচ্চা কাচ্চা যত কেউ আছে সবার জন্য খুব আনন্দের সময়, কেন কি এই সময় তাদের সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়ে যায়, তারা আনন্দে থাকে। राजगंज में 4 दोस्तों की 1 करोड़ की लगी लॉटरी। 4 दोस्तों की 900 रुपए में किस्मत बदल गई। 4 दोस्तों ने मिलकर 900 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, जिसमें उन लोगों को 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया। खबर राजगंज के सन्यासिकता ग्राम पंचायत के लाल स्कूल बालाबाड़ी इलाके की है। जानकारी मिली है कि एक दुकान में लॉटरी भेजने के बाद 900 रुपए की लॉटरी बच गई, जिसके बाद लॉटरी दुकानदार ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर यह लॉटरी खरीद ली। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वे लोग उस लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीत चुके हैं। सभी छोटे व्यवसायी हैं। खबर मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के किनारे खड़ी चाय पत्ती से लदे ट्रक में एक लॉरी ने टक्कर मार दी। घटना बागडोगरा के कृष्णपुर में एशियन हाईवे 2 पर हुई। देर रात एक खाली लॉरी ने चाय पत्ती से लदी ट्रक को टक्कर मार दी।
पता चला है कि ट्रक दिल्ली से जा रहा था जबकि लॉरी बिहार से जा रही थी, तभी हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद बागडोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में लॉरी चालक को बचा लिया गया और बागडोरा अस्पताल ले जाया गया और बाद में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से लॉरी और ट्रक को हटाया है। हालांकि पार्किंग जोन नहीं होने के बाद भी ट्रक पार्क करने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहें इसके लाइव पे। धन्यवाद।